नमस्कार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने पार्टी नेता आजम खान का बचाव किया और आंदोलन का ऐलान किया तो भाजपा ने इस पर पलटवार किया है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि जमीन की लूट में शामिल आजम खान को सही ठहराने के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब मुलायम सिंह यादव को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की कोशिश मुलायम को आगे कर आजम को बेगुनाह साबित कर उन्हें कार्रवाई से बचाने की है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जब आजम खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो वो डर क्यों रहे हैं और अखिलेश यादव को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हर मोर्चे पर नाकाम अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय पर मुलायम की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। उन्होंने कहा कि जांच में आजम के गुनाह सामने आ रहे हैं तो अखिलेश उन्हें बचाने के लिए मुलायम को आगे कर रहे हैं। बताते चले कि मंगलवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने आजम खान का बचाव किया था। मुलायम ने कहा था कि आजम खान ने बहुत मेहनत के बाद जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजम बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं और उन्होंने अथक मेहनत से राजनीति में जगह बनाई। इसके लिए उन्हें समाज के हर तबके से सहयोग मिला। आजम ने यूनिवर्सिटी गरीबों, लाचारों और मजबूरों के लिए बनाई। जमीन के बहाने जबरन उनको निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा मुलायम का कहना था। मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो आजम खान के साथ खड़े हों। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा था कि उनसे न टकराए। मुलायम ने कहा था कि आजम ने चंदा मांगकर जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है। महज 2 बीघे जमीन के लिए उन पर 27 गंभीर मुकदमे लगा दिए गए। ये आजम का अपमान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुलायम के बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बयान से साफ है कि भाजपा भी इस मुद्दे पर किसी भी तरह से दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खबरें आपको लगातार मिलती रह सकें।